आज हमारी फर्म एसएल ग्रुप की जानिब से एसएल पेट्रोलियम बोल के हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। सैयद अली मियां अशरफी इनके हाथों और उनके फर्जंद सैयद सलमान अशरफ और शहर के मौजिज और सरकर्दा अफराद बिलखसूस एक्स एमएलए शेख रसीद साहब डॉक्टर खालिद परवेज साहब कलीम दिलावर साहब आविष्कार भूसे साहब इन तमाम अफराद ने इस इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। शहर के हालात को मद्देनज़र रखते हुए और इस एरिया की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पेट्रोल पंप बनाने का फ़ैसला किया था। उसमें काफ़ी कानूनी अड़चनें आई जिसे शहर के यंग लीडर शेख आसिफ साहब ने हमारी काफ़ी मदद फरमाई। इनकी कोशिशों से बहुत सारी परमिशन में हमें मदद मिली और अल्लाह का शुक्र है कि आज रिस्क हलाल की तलाश में हम लोगों ने पेट्रोल पंप का एक काम शुरू किया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक तमाम ही हजरात तमाम ही आए हुए मेहमानान का मैं मोहम्मद जाकिर और मेरे खानवादे मोहम्मद साबिर अब्दुल लतीफ़ की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम लोगों ने हमारी काफ़ी हौसला अफजाई की, तमाम लोगों ने शिरकत करके हमें इज़्ज़त बख्शी, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि अहलिया ने शहर मालेगांव को इस बात की इत्तला है और बहुत सारे लोग बनफ्से नफीस मौजूद भी हैं और मीडिया हजरात भी यहाँ पे मौजूद है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जाकिर स्टार मेंडर और उनके बिरादरान उनके फैमिली के लोगों ने जो ये कदम उठाया है ये तजारत के साथ साथ यहाँ की एक ज़रूरत भी थी और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों ने इसके अंदर पहल की है जो एक यानी शहर के लिए बाईस मुसर्रत का मकाम है कि वो लोग यानी पूरी अमानतदारी और दयानतदारी के साथ है अपने इस काम को अंजाम देंगे। मैं मेरी तरफ़ से अहलियाने मालेगांव की तरफ से और जुमला जो हमारे दोस्त अहबाब और व्यापारी हजरात हैं तमाम ही लोगों की तरफ से जाकिर स्टार मेंडर और उनके अहले खाना को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इस कारोबार में मज़ीद तरक्की अता फरमाए और शहरियान के लिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी ऐसा अमल साबित हो कि उनकी जो तकालीफ थी पेट्रोल पम्प को लेकर के वो दूर हो और वो पूरी तरीके से मुतमईन रहें, ऐसा इनके अहले खाना को काम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे। बस एक मरतबा आखिर में तमाम ही उनके जुमला बिरादरान को दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बरोज जुमा बाद नमाज असर गट नंबर 114 पर एसएल पेट्रोलियम्स प्रोप्राइटर जो है एसएल पेट्रोलियम जिसके ज़िम्मेदार हमारे आरिफ भाई जाकिर भाई और हमारे आसिफ भाई इनकी जानिब से एसएल पेट्रोलियम का जो है पेट्रोल पंप का आज इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर मैं एसएल पेट्रोलियम के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये जो इलाका है गुरुवार वार्ड से मुतसिल इलाका यहाँ पर जो है इस तरीके के पेट्रोल पंप की बहुत ही ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी। इलाके की ज़रूरत को महसूस करते हुए जो एसएल पेट्रोलियम्स की जानिब से ये पेट्रोल पंप का क़याम किया गया है मैं वार्ड के ज़िम्मेदार की हैसियत से भी एसएल पेट्रोलियम के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी इस फर्म को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे दोस्त जाकिर भाई और आरिफ भाई इन्होंने आज नायरा पेट्रोल पंप का उद्घाटन की वजह मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। मैं आप सभी मालेगांव वालों को विनती करता हूँ कि जाकिर भाई को नायरा पेट्रोल पंप को आप सब सपोर्ट करो और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऐसे इलाके में आज पेट्रोल पंप की सख्त ज़रूरत थी
जो मालेगांव के आने और जाने का एक अहम रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर और मालेगांव शहर के अंदर सबके अहम और ज़रूरत के हिसाब से जो पेट्रोल पंप बना हुआ है, एसएल पेट्रोल पंप, आज हम मोहम्मद जाकिर साहब, मोहम्मद आरिफ साहब और मोहम्मद आसिफ साहब, इन तीनों साहिबान को दिल से, दिल की गहराई से खुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करेंगे कि ऐसे ही मजीद काम जो आज हमारे भाई लोग कर रहे, वैसे सब जितने भी कर सकते हैं या जिनका भी हौसला हो सकता है वो ऐसे ही गांव की भलाई और तरक्की में अपना हिस्सा लगाते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपने गांव का नाम उजागर करते रहे। जो भी एक और चीज़ भी ज़रूरी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो हाईवे है ये काफ़ी आज की तारीख में एक्सीडेंटल जोन के तहत भी जाना जाता है और वो आज जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे मालेगांव शहर में हम लोग देख रहे, कई बच्चों की जान इसके अंदर चली जाती है, तो हाईवे जो है हमारा सेफ नहीं है और हाईवे के ऊपर जब तक सर्विस रोड प्रॉपर बनेगा नहीं तब तक ये हालात जो है वो ऐसे ही शायद रहते रहेंगे। तो हमें बड़ी अच्छी और ख़ुशी की बात ये कहनी चाहिए कि जो भी हजरात, जो भी बच्चे पेट्रोल भरने के लिए शहर के बाहर हाईवे पे जाते थे, आज उनको इस एसएल पेट्रोल पंप के ज़रिए से बड़ी राहत पहुंची है और कई लोगों को इस खुशी का एक मुकाम मिला है। तमाम ही लोग अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि ऐसे ही पेट्रोल पंप जो अपना नाम और जिस तरह से एक तलाटी फैमिली आज पूरे मालेगांव में अपनी छाप छोड़ी हुई है, आज इसके ज़रिए से भी अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि इनके माल बरकत में माल में बरकत अता करें।